हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं आप सभी को BNS 183 चैप्टर नंबर 4 पर्यटन और संस्कृति, ये क्या है पर्यटन और पर्यटन संस्कृति क्या है, तो इन दोनों में क्या अंतर है और ये क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, पर्यटन और संस्कृति क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, पर्यटन और संस्कृति, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे पर्यटन होता है, जो पर्यटन स्थल होता है, जब वहाँ पर पर्यटक जाता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करता है, वहाँ के लोगों के व्यवहार को देखता है, वहाँ पे हो रही परंपराओं को देखता है, वहाँ पे सभ्य असभ्य व्यवहार को देखता है, वहाँ के लोगों जो लोग होते हैं छोटे बड़े, तो वो छोटे के बड़े जो छोटे होते हैं वो बड़ों के प्रति किस तरीके से व्यवहार रखते हैं, अतिथियों के मतलब जो मेहमान होते हैं उनके प्रति क्या व्यवहार रखते हैं, वो क्या परंपराएं अपनाते हैं, किस तरीके से उनका मान सम्मान सत्कार करते हैं, ये सभी क्या है, पर्यटन संस्कृति होती है। जिस स्थल पर व्यक्ति पर्यटक जो जाता है वो क्या है, जहाँ पे भी जाता है, जिस भी स्थल पर जाता है, तो वहाँ की किस तरीके की संस्कृति होती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्यटन संस्कृति। जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है कि ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऊपर देखिए, वह एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखती है या रखता है, इतना सभ्य असभ्य कुछ ऐसे सामान्य वाक्यांश है जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्कृति के अध्ययन में ये वाक्यांश कितने प्रासंगिक। देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, जो मानव शास्त्री दृष्टिकोण से संस्कृति के अध्ययन में ये वाक्यांश कितने प्रासंगिक है, कहने का मतलब ये है, जब भी हम कहीं पर जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहीं गई, अदर कंट्री में गई मान लो, या फिर किसी स्टेट में गई, तो मैं वहाँ पर जाती हूँ, वहाँ की जो संस्कृति है तो मैं उसको देखती हूँ कि मेरे साथ जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं, जो मेज़बान हैं, वहाँ की जो मानव जाति है, वहाँ के जो बच्चे जो भी हैं, सभी किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करेंगे, किस तरीके से वो क्या है मेरा मान सम्मान करेंगे, तो वो उनकी जो संस्कृति है वो उनके व्यवहार में झलकती है। तो मैं वहाँ पे जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी, तो मेरे जो साथी होंगे, जो मेरा परिवार होगा, या फिर जो मेरे दोस्त वगैरह जो भी होंगे, तो मैं वहाँ के अनुभव के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में क्या है उनसे बात करूँगी, कि किस तरीके से वहाँ पे मेरा मान सम्मान हुआ था, कि वहाँ पे लोगों ने किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया था, और कितने अच्छे लोग हैं, संस्कारी हैं, और अपने क्या है सभी के मान मर्यादा में रहते, सभी जो है मान मर्यादा में रहते हैं, और अपनी संस्कृतियों को क्या है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। तो वही चीज़ें जो होती हैं, जो पर्यटन और संस्कृति होती है, तो पर्यटन स्थल और वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो क्या संस्कृति होती है उसी से रिलेटेड है, और यही है पर्यटन और संस्कृति। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको बता दूं, ये रहा, पार सांस्कृतिक अंतक्रिया संस्कृति संक्रमण विवाद। देखिए, जो पार सांस्कृतिक और जो अंतक्रिया और संस्कृति संक्रमण विवाद जो है, तो मैं आपको बता दूं कि ये संक्रमण संस्कृति जो संक्रमण, एक कहने का मतलब ये है, जब मैं जिस स्थान पर, जो पर्यटन स्थल है, जो पर्यटन स्थल है वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ की जो संस्कृति है, तो उसका क्या है मेरे में संक्रमण होगा, कहने का मतलब ये उसका फैलाव होगा मेरे अंदर, वहाँ की जो संस्कृति है उसको मैं अपनाना चाहूँगी, और जो मेरी संस्कृति है तो वहाँ के लोगों को वो मेरी संस्कृति से प्रभावित होंगे, मेरे व्यवहार से प्रभावित होंगे, तो क्या है वो मेरी को अपनाना चाहेंगे। तो इसी तरीके से जो संस्कृति संक्रमण होता है, तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो संस्कृति, वहाँ पे जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, पर्यटन स्थल पर जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ की जो संस्कृति है उसका संक्रमण किस तरीके से होता है, तो हम इसको भी जरूर देखते हैं। तो इसमें भी देख लीजिए, आपको एक बार समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। देखिए,
संस्कृति संक्रमण एक मानव शास्त्रीय अवधारणा है जो ये समझाता है कि पर्यटन संस्कृतियों को कैसे प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये जो पर्यटन है वो पर्यटक को किस तरीके से प्रभावित करता है, और संस्कृति संक्रमण को दो अलग अलग समाजों के बीच भी गतम्य पर एक संपर्क परिणाम स्वरूप संस्कृतियों को एक या कुछ तत्वों को उधार लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। कहने का मतलब यह है जब मैं किसी स्थल पर जा रही हूँ तो मैं वहाँ की संस्कृति जो है उससे प्रभावित होंगी, तो मैं जरूरी है मतलब कि मैं उसको अपनाऊंगी और जो मेरी संस्कृति है तो हो सकता है वो वहाँ के लोग जो हैं मेरी संस्कृति से प्रभावित हो, मेरे रहन सहन मतलब देखने का तरीका बोलने का तरीका उसको अपनाना चाहें, तो उससे क्या है वो प्रभावित होगा, ये जरूरी है। ठीक है, इसके आगे क्या है समझाने के लिए हम एक और उदाहरण के रूप में भाषा का हवाला दे सकते हैं। जैसे भारत के अधिकांश स्थानों पर जैसे आगरा हो, जोधपुर हो, जयपुर हो में क्या है पर्यटकों द्वारा बार बार देखा जाता है कि कोई भी इस बात पर ध्यान देगा कि पर्यटन उद्योग में लगे लोग जैसे फेरी वाले, लोक कलाकार, गाइड जो अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं को बोलते हैं, भले ही उनमें से कई पढ़े या लिखने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी क्या है वो उन भाषाओं को ज्ञाता है, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, संस्कृति संक्रमण सिद्धांत के ढांचे के भीतर यह तर्क दिया गया है कि जब संपर्क एक मजबूत संस्कृति और कमजोर व्यक्ति के बीच होता है तो ये आमतौर पर पहले का होता है जो बाद वाले को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है जब कोई भी संस्कृति होती है तो वो क्या है एक दूसरे को प्रभावित जरूर करती है। बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ जो आगे है लास्ट में, पर्यटक अनुभव और प्रामाणिकता पर बहस। कहने का मतलब ये है देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं किसी भी चीज़ में, मान लीजिए चाहे वो पॉलिटिकल हो, खोज करते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो या अदर सब्जेक्ट कोई भी हो, जब हम उसके बारे में देखते हैं, छानबीन करते हैं, खोज परख करते हैं, विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से ये है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इन चीज़ों पे जब हम बहस करते हैं तो उसी तरीके से जो पर्यटक होता है जिस पर्यटन स्थल पर वो जाता है तो वहाँ का उसका अनुभव कैसा रहा है वो किस तरीके से प्रमाणित करता है, किस तरीके से प्रूव करता है, तो इस पे भी क्या है बहस होती है। क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं उनकी क्या है अलग अलग थिंकिंग होती है, कोई जो पर्यटक होता है वो अलग तरीके से सोचता है कि ऐसा है, लेकिन जो दूसरा होता है तो वही उसमें क्या है विरोध करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा था, तो वो अपने अनुभवों को क्या है प्रमाणिकता देते हैं और उस पर क्या उनमें बहस होती है। कई सारे जो टूरिस्ट हैं तो उनमें अपनी जो अनुभव है, अपने एक्सपीरियंस जो है उनमें क्या है अपनी प्रमाणिकता पे बहस करते रहते हैं वो कि मैंने समझा, जो मैंने बताया वो ठीक है, तो वो दूसरा वो बोलेगा कि मेरा ही ऐसा ठीक है तो ये ठीक है, तो इनमें आपस में क्या है बहस होती रहती है। जैसे आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि जब उसमें न्यूज़ में जो बहस होती है तो वो अपने आपस में क्या है बहस करते रहते हैं कि हमारा ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या है और किसी एक का ही ठीक होता है। जो आप बाकी देखेंगे उसमें तीन चीज़ें जो है प्रमाणित करती हैं, बताती हैं कि ये जो पर्यटन है इसमें जो प्रमाणिकता है और ये किस तरीके से पर्यटक के अनुभव को बताती हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो पर्यटक अनुभव और प्रमाणिकता पर बहस करते हैं उसके तीन पॉइंट हैं। एक है गतम्य छवि निर्माण, दूसरा है छवि और छवि निर्माण, सांकेतिकता और पर्यटन। तो देखिए गतम्य छवि निर्माण, इसमें हम समझते हैं कि आज तकनीक और परिवहन और संचार के साधनों में क्या है सुधार के साथ हम एक सिकुड़ती दुनिया में रहते हैं जहां लोगों को करीब लाया गया है। बढ़ी हुई खर्च योग्य आय और समय ने लोगों को पर्यटन गतिविधियों में क्या है संलग्न होने की संभावना को क्या बढ़ाया है।
ठीक है। तो ये गतम्भ छवि के निर्माण में आ जाता है, और दूसरा जो है छवि और छवि निर्माण, मतलब छवि एक कृत्रिम नकल या किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में रूप को प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब ये छवियाँ जो है वो कृत्रिम मतलब बनाई हुई नकल होती हैं, और ये क्या है वस्तुओं को क्या है बाहरी रूप देने का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उसको प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये बैरिस्टन, बैरिस्टन जो है छवि की एक ऐसी चीज का दृश्य चित्रण है जो अनुपस्थित अनुपस्थित है और कुछ ऐसा जिसमें दोबारा बनाया गया हो और पुनः पेश किया गया है। छवि का प्रमुख अर्थ वस्तुओं की दृश्यता या दृश्य कल्पनाशीलता को क्या है जिसमें चित्रों, तस्वीर, पर्दे के माध्यम से क्या है मीडिया में दर्शाया जा सकता है। एक छवि में क्या है कई विशेषताएं होती है, अर्थात ये ज्वलंत है, ठोस है और दृश्य घटक है और सामाजिक और एक दर्शक है। यह वस्तु सरलीकृत है और आंशिक प्रतिनिधित्व है और छवियों में क्या हेर फेर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो छवि और छवि निर्माण क्या है कि किस तरीके से जो है एक अगर कोई भी कैरेक्टर निभाता है किसी सीरियल या फिल्म में तो उसकी छवि क्या है बार बार किस तरीके से उसकी चेंज की जाती है और उसका क्या है किस तरीके से जो छवियाँ उनका निर्माण किया जाता है, तो उसमें इसी चीज़ को बताया गया है छवि और छवि निर्माण में। ठीक है, सांकेतिक वो जो सांकेतिकता है उसमें पर्यटन कैसा होता है, तो देखिए जो सांकेतिकता है उसमें संकेतों का अध्ययन है, यह बताती है कि संकेत से अर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। एक संकेत कुछ भी हो सकता है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज को संदर्भित करता है, और एक संकेत का अर्थ पाठक की व्याख्या पर निर्भर करता है। सांकेतिकता क्या है अध्ययन की एक वह शाखा है जो संकेतों के अर्थ और व्याख्याओं से संबंधित है, और ये काम भाषाविद फर्डिनेंड से शश्योर और दार्शनिक चार्ल्स की सैंडर्स पियर्स जैसे विद्वानों के काम के साथ विकसित किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये सांकेतिकता मतलब जो पाठक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से क्या है जो संकेतों का जो किस तरीके से उनको समझता है, उनकी व्याख्याएं करता है। तो यहाँ पे जो अलग अलग टूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी अलग अलग विचारधाराएं दी हैं, तो आप इसको देख लेना। और लास्ट में ये देखिए आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ये डायग्राम बताता है कि जो गतम्भ है जो वस्तु है और जो पर्यटन विज्ञापन जो संकेत है और जो संभावित पर्यटक जो व्याख्याकार है, ये तीनों मिलकर क्या है चित्र के अनुसार हम तीनों बिंदुओं को समझते हैं कि जिस तरह से पर्यटन विज्ञापनदाता गतम्भ का प्रतिनिधित्व करता है, किस तरीके से जो क्या जो पर्यटन होता है विज्ञापनदाता गतम्भ का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा है जिस तरह से संभावित पर्यटक प्रतिनिधित्व की क्या है व्याख्या करता है, और तीसरा क्या है गतम्भ के लिए पर्यटक को दिए गए प्रतीकात्मक अनुभव। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या है ये तीनों बिंदु हमें पर्यटन के बारे में और जो पर्यटन की जो प्रामाणिकता है उसके जो अनुभव है उन सब चीज़ों को समझाने में क्या है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए भारत में एक शक्तिशाली विज्ञापन कुछ दिनों तो गुजारो गुजरात में कुछ दिन बिताना एक शक्तिशाली विज्ञापन है जो यह दिखाता है कि विपणन प्रतिनिधि कैसे संभावित पर्यटक को गुजरात आने के लिए आमंत्रित करता है। यह विज्ञापन पर्यटकों को क्या सोमनाथ मंदिर गुजरात के अन्य द्वितीय आकर्षण करने के लिए क्या है प्रेरित करता है। तो कहने का मतलब ये है जो सांकेतिकता होती है वो जैसे विज्ञापन के माध्यम से फिर उन वाक्यों की क्या है व्याख्या की जाती है, और फिर क्या उन वस्तुओं के बारे में उनको आकर्षित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वस्तु जो गतम्भ होता है पर्यटन विज्ञापन जो संकेत देते हैं और संभावित पर्यटक व्याख्या का, ये तीनों मिलकर क्या है पर्यटन को आकर्षित करते हैं कि हमारे चीज़ों को खरीदो या फिर क्या है हमारे यहाँ पर आओ और यहाँ पर भी क्या है यहाँ के अनुभवों को देखो और यहाँ पर किस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मंदिर है, यहाँ के जो संस्कृति है, इन सब चीज़ों की ओर क्या है आकर्षित करता है। तो इसी को क्या है हम बोलते हैं सांकेतिकता और पर्यटन। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, बाकी आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लेना तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।